मरकुस की इंजील उसको आठवां अध्याय पांचवी आयत से। आज सुबह का प्रश्न था रहा कि वो 12 टोकरे कहां गए। मरकुस की इंजील उसका आठवां अध्याय, उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, क्या मतलब हुआ, क्यों उठवाया उसने ये 12 टोकरे उठवाए। अभी देखिए और मैं पढ़ रहा हूं, क्यों उठवाए, कहां गए, किस क्या मकसद था। निश्चित ये मकसद नहीं था कि अगले खाने के लिए बचा करके रखो। अरे जब पहले खाने के लिए नहीं बचाए तो अगले खाने के लिए क्या बचाओगे। ध्यान से सुनिएगा। तो मरकुस लिखता है कि उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां, उन्होंने कहा साहब। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। कितने टोकरे? अब 12 वहां पर, 7 यहां। जहां वो खिला रहा वहां कह रहा टोकरे भरो, टोकरे उठाओ इनको। और 4,000 के लगभग लोग थे और उनको विदा किया और वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे, उसे जांचने के लिए कोई स्वर्ग चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल मैं सोचता हूं कि आज भी यीशु मसीह आह आह मार रहा है, चिन्ह ढूंढते। अरे चिन्ह तो है ही है, ढूंढने की क्या जरूरत है। बाइबल कहती है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, ढूंढने की जरूरत। उसने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें नाव पर छोड़कर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। अब सुनिए, अब आ रही है बात, ध्यान से सुनिए। वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। और वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। देखिए यीशु मसीह कहां की बात कर रहे हैं, उन डॉक्ट्रिन्स की बात कर रहे हैं, हेरोदेस के और फरीसियों के शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, ये रोटी के चक्कर में पड़े हुए। हमारे और आपके जैसे चेले होते तो बोलते रोटी छोड़ो, पराठा कहां है और पूड़ी कहां है। आज रोटी और पराठे और पूड़ी के चक्कर में। आगे सुनिए, वे आपस में विचार करके कहने लगे हमारे पास तो रोटी नहीं। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं। सुनिएगा, यीशु मसीह के दिल से एक एक आह निकल रही है। व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग, कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। अब सुनिएगा, यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे हैं, रोटी के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, रोटी नहीं है। आपस में बजाय चर्चा खुदावंद के राज्य की होने की, बजाय उसकी महिमा की होने की, अभी 7 रोटी से और छोटी मछलियों से 4,000 के लोगों को खिलाया गया, चर्चा उसकी नहीं हो रही है। रोटी हमारे पास नहीं, हमको नहीं मिला। अपनी दलिद्री, अपनी गरीबी की बात कर रहे हैं, अपनी कमताई की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो उनके साथ वहां पर मौजूद है। मार्था मरियम के घर में बैठे हुए, मार्था परेशान हो गई, ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है। यीशु मसीह कहा, इधर आ मार्था, किसके लिए परेशान है तू। यहां वो बैठा है जो 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 को खिलाता है, तू क्या खिलाएगी मेरे को, किसके लिए परेशान। चाय नहीं बनी तो रोटी नहीं बनी तो मीट नहीं बना, अरे मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास आओ बैठो, यहीं बैठी रहोगे सब कुछ तैयार हो जाएगा। खुदावंत के चरणों में, आज खुदावंत के चरणों में अगर आप वक्त दें तो बाकी सारा लिखा हुआ है कि उस पर अपनी सारी चिंता डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। दुनिया भर की चिंता किए हुए हैं, काम कुछ नहीं होना। आगे सुनिए, अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ है, वो टोकरे कहां गए, क्या हुआ उसका, क्यों वो उठवाया, क्यों उसने कहा टोकरे उठा लिए जाए, 12 टोकरे उठाए जाए, 7 टोकरे उठाए जाए, क्या क्या मतलब था उसका, सुनते रहिए।
जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? अब बात आ रही है, क्या तुम लोग भाजी साहब ये दे दीजिए और वो दे दीजिए और ऐसा मिल जाए, अभी तक नहीं समझे? दो मछली पांच रोटी से 5,000 से ज्यादा को खिलाया हमने, 7 रोटी छोटी मछली से 4,000 से ज्यादा के लोग, और अभी भी रोटी की उलझन में पड़े हुए। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मैंने तुम्हारी जिंदगी में किया, मगर एक रोटी के चक्कर में क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? अब देखिए टुकड़ों पर बात हो रही, वो जो टुकड़े उठवाया ना, अब यीशु मसीह डांट रहे और चेलों से बात कर रहे हैं। जो लोग खा के तृप्त हो गए वो तो चले गए, चेलों से प्राइवेट बात हो रही है। तुम्हारा मन कठोर हो गया, तुम्हारे मन में हलचल नहीं हो रही? दिस मैन, ये मेरा गुरु जिसके साथ साथ है, जिसके हम चेले कहलाते हैं, यार ये तो दो मछली पांच रोटी से 5,000 से ज्यादा को खिलाता है, 7 रोटी से 7,000 से 4,000 से ज्यादा लोगों को खिलाता है, और अभी तक क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते? सुन रहे आप, वहीं टोकरे रखे हुए थे, टोकरे वहीं रखे हुए थे, नाव में फेंके नहीं गए थे, आंख रखते हुए दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है सावधानी से दौड़े, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते, और तुम्हें स्मरण नहीं? अब यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे, अच्छा कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम लोग इधर आओ, सब इधर आओ, कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों से कितनी रोटी टुकड़िया भर कर उठाई? अब क्वेश्चन चल रहा है यीशु मसीह, मतलब कुछ ही दिन की बात थी, कोई 20-25 साल का अरसा नहीं था, इट वॉज जस्ट फ्यू डेज लेटर यीशु मसीह क्वेश्चन कर रहे, बच्चों के समान प्रश्न कर रहे हैं, बच्चों के समान। जब मैंने दो मछली 5 रोटी से खिलाया तो कितने टोकरे उठाए तुमने? उत्तर सुनिए, जी बारह। यीशु मसीह ने उठवाया था उनसे, उनको गिनती याद थी, कोई नहीं बोला 11, 9 थी ना, चुन करके उसने आशीषें दी है आपकी जिंदगी में। अगर और भीड़ नहीं जानती कि कितने टोकरे उठाए गए हैं, कम से कम चेलों को तो मालूम था कि कितने टोकरे उठाए गए, और कोई जाने या ना जाने, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी में खुदावंद ने कितने आश्चर्य कर्म किए हैं। मेरे साथ आप हैं प्रेज द लॉर्ड बोलने का, आप तो जानते हैं, आपका पड़ोसी ना जानता हो, आपकी वाइफ ना जानती हो, आपका हस्बैंड नहीं, आप जानते हैं कि खुदावंद ने कितनी आशीषें आपके जीवन में दी है। फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम 4,000 के लिए 7 रोटी थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भर कर उठाए थे? जी 7। अभी तक नहीं समझे, और यीशु मसीह इतना ही कह के चुप हो गए। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? अब तक नहीं समझे? कुछ नहीं था, 5,000 से ज्यादा की भीड़ के सामने दो मछली 5 रोटी की क्या बिसात है? और मैंने ना सिर्फ लोगों को खिलाया, तुम ही लोग से टुकड़े भर भर के उठवाए। 7 रोटियों से 4,000 की भीड़ को ना सिर्फ खिला के तृप्त किया, तुम ही से टुकड़े भर भर के उठवाए। और तुम आपस में विवाद करते हो, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास आशीष नहीं है, हमारे पास बरकत नहीं है। इस मेंटेलिटी से हम लोग कब निकलेंगे? वो हमारा प्रभु जिसने चुन चुन करके हमें आशीषें दी हैं, अपनी जान दी है उस क्रूस के ऊपर, जो खुदावंद क्रूस के ऊपर अपने लिए, आपके और हमारे लिए जान दे सकता है, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा जा सकता है, जिसके पसली में भाला मारा जा सकता है, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, क्या वो प्रभु हमारी देखभाल नहीं कर सकता है? क्या तुम अब तक नहीं समझे?
क्या तुम अब तक नहीं समझे?